हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मानव प्रहार, आप देख रहे हो हिंज टेक वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कैसे अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर Zen UI 4.0 को इंस्टॉल करते हैं। हाउ टू इंस्टॉल Zen UI 4.0 ऑन एनी एंड्रॉइड फोन। दोस्तों, ये जो Zen UI है, एक Asus का जो फोन आता है उसके साथ आता है। इस वीडियो के अंदर मैं Zen UI 4.0 को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। दोस्तों, Zen UI के अंदर, Zen UI 4.0 के अंदर जितने भी एप्स है, उस एप्स एप्लीकेशन को कैसे अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल करे, किसी भी एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर काम करेगा। दोस्तों, एक कोई रॉम नहीं है और एक कोई जिप फाइल नहीं है। आपको नीचे दिया हुआ लिंक मिलेगा, उस जिप को आपको अनजिप करना पड़ेगा। उसके बाद जो एपीके मिलेगा उसको आपको फोन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा दो। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रह पाओगे। सो प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। दोस्तों, एज यूजुअल सभी वीडियो की तरह इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वहाँ पर जाके आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आपको जिप फाइल को डाउनलोड करना होगा, लगभग 109 MB के आसपास है। उस जिप को डाउनलोड करके आपके इंटरनल मेमोरी में छोड़ दो। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको जेट आर्काइवर भी डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जेट आर्काइवर की जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, फोन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इस mediafire.com की पेज के ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ से आपको Zen UI हिंटेक वीडियो का जो है डाउनलोड पर क्लिक करके 109 MB की जिप फाइल को डाउनलोड करना होगा। सो मेरे फोन के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो आपको प्ले स्टोर से जेट आर्काइवर को इंस्टॉल करना होगा। सो मेरे फोन के ऊपर जेट आर्काइवर भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो मैं जेट आर्काइवर के थ्रू वो जो जिप है उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर पर टैप करो, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों, पासवर्ड ध्यान से देख लीजिए। ओके, दोस्तों, Zen UI HTV सभी स्मॉल लेटर के अंदर है। ये देखो दोस्तों, एक्स्ट्रा हो रहा है। दोस्तों, एक्स्ट्रा हो चुका है। सो चलते हैं MIUI की डिफॉल्ट फाइल एक्सप्लोर के अंदर और SD कार्ड और ये आ गया। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस जिप के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है, APK है, Zen UI है, वेदर है, सेल्फी मास्टर है, मोबाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, Asus थीम ऐप है, Asus साउंड रिकॉर्डर है, Asus कॉल UI है, Asus गैलरी है, Asus डेस्क क्लॉक है, Asus कॉन्टैक्ट, Asus कैलकुलेटर भी है, Asus UI है। दोस्तों, ध्यान दे, इसके अंदर जितने भी ऐप है उसको आपके फोन के ऊपर काम करने के लिए एंड्रॉइड 7.0 होना पड़ेगा। अगर आपके फोन के ऊपर एंड्रॉइड 7.0 नहीं है तो कुछ ऐप इस आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल नहीं होंगे, क्योंकि Zen UI 4.0 एक एंड्रॉइड नोगेट सिस्टम बेस है। तो अगर आपके फोन के ऊपर एंड्रॉइड 7.0 है तो आपके फोन के ऊपर सभी एप्लीकेशन काम करेगा। ठीक है, तो आपको क्विकली दिखा देता हूँ किस तरह से इस एप्लीकेशन है। ठीक है, दोस्तों, मेरे फोन के ऊपर सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। सो पहले शुरू करते हैं सेल्फी मास्टर से। यहाँ पर आपको वीडियो कैमरा व्यू की लाइव कॉलेज साइड शो बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप चाहो तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा कर सकते हो, गैलरी में जा सकते हो। यहाँ पर आपको वेदर मिल जाता है, इसके लिए आपके फोन के ऊपर नेट कनेक्शन की जरूरत होगी। आपको एक बार के लिए लॉन्च करके दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपको और एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर मिलती है, बड़ा ही खूबसूरत सा कैलकुलेटर है। और यहाँ पर आपको करेंसी कैलकुलेटर भी मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको फोन स्टाइल बार मिल जाती है और बड़ा ही क्लीन UI है, वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन कलर के साथ। और यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों मोबाइल मैनेजर और उसके साथ साथ फाइल मैनेजर भी है, काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर है। मैं खुद इसकी जो Zen UI की फाइल मैनेजर है उसे पसंद करता हूँ। यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन मिलता है, उसके साथ साथ आप चाहो तो अपने PC के ऊपर ट्रांसफर भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है, और ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप डार्क मोड को भी एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं जो गैलरी एप्लीकेशन है इसकी। सो गैलरी आप देख लेते हैं किस तरह से है। सो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, गैलरी एप्लीकेशन बड़ा एक क्लीन एप्लीकेशन है, वाइट एंड ब्लैक एंड का लुक है। सो आप बिल्कुल गैलरी एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो। आपको मिल जाता है साउंड रिकॉर्डर, और साउंड रिकॉर्डर का UI भी बड़ा ही खूबसूरत है।
आप चाहो तो क्वालिटी को भी बड़ा घटा सकते हो। आरे पर आपको मिलता है क्लॉक, और या सब चाहो तो क्लॉक को भी सेट कर पाओगे, और बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, क्या बोलते हो दोस्तों। और आपको थीम मैनेजर भी मिलता है, तो थीम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे अगर आप चाहो तो थीम को भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा थीम मिल जाता है इस एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्ड इन मिलता है Zen UI का लॉन्चर। आप चाहो तो होम पर क्लिक करके Zen UI का लॉन्चर को ऑन कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। और ये देखो दोस्तों, खूबसूरत सा लॉन्चर है ऐप ड्रायर के साथ। यहाँ पर चाहो अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, कस्टमाइज व्यू। और यहाँ पर अगर चाहो तो कोई एप्लीकेशन को सर्च भी कर पाओगे। और यह सबको मिल जाता है सेटिंग्स के लिए। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस के अंदर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है दोस्तों देखो, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आपको फोल्डर आइकन के लिए डिटेल लिंक मिलता है दोस्तों। सभी एप्लीकेशन आपको लॉन्च करके ओपन करके दिखाना मेरे लिए एक ही वीडियो के अंदर संभव नहीं है। सो आपको खुद से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके खुद से देखना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या फीचर्स है। एनीवे दोस्तों, अगर आप समझते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।